हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं करने वाला हूँ पोटोनिक्स जो डेटा केबल है उसका एक रिव्यू, और उसी के साथ ये भी बता दूंगा कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग किया था और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी आपको उस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है 140 रुपीज़ में, और उस हिसाब से क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छी है। सेल चल रहा था तो मुझे 140 में मिल गया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये पोटोनिक्स का है, आपको इसमें 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है। तो आपको अगर कोई डेटा केबल लेना है टाइप सी वाला तो आप ऐसा ही लीजिए जिसमें 6 मंथ की वारंटी है, या आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भी दिख जाएगी, वहाँ पे भी मेंशन है। तो क्वालिटी वाइज और पैकिंग तो बहुत ही बेस्ट है। उसी के साथ देखते हैं कि अभी ये फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है क्या। तो जैसे कि मेरे पास M30 एक मोबाइल है जो 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और उसके साथ ये फास्ट चार्जर मिला है 15W का। तो मैंने मेरा मोबाइल चार्ज किया था तो मुझे इस केबल से 50% टू 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगा वो मैं आपको स्क्रीन में बता दूंगा। तो 50% के टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था, और पूरा 100 होने के लिए मतलब 50% चार्ज होने के लिए इसने लिए है 1 घंटा 12 मिनट। तो ये था इसका कुल टाइम। और वही मैं एक सैमसंग चार्जर से या फिर सैमसंग केबल से मैं इसे चार्ज करता हूँ तो मुझे कुल लगे 1 घंटा 11 मिनट, वो भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए। तो ये है कुछ केबल सैमसंग वाली, जो कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, 1 मिनट का डिफरेंस है। तो वैसे इसको तो 3 साल हो गए, 3 साल बाद भी ये सेम क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो नया है। देखते हैं लॉन्ग टर्म में इसका क्या रिजल्ट आता है। ऐसे क्वालिटी वाइज तो बहुत ही सॉलिड फील देता है, और ये यहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग है पोटोनिक्स। जब कभी भी आप पोटोनिक्स का ले लो तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ब्रांडिंग है कि नहीं। और उसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इसके रिलेटेड और भी वीडियो मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैंने और एक डेटा केबल भी लिया था, उसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया है। तो वो मैंने 111 रुपये में लिया था। तो अगर आपको अलग अलग क्वालिटी वाइज चेक करने हैं या फिर दो ब्रांड की एक साथ लेने हैं तो आप वो भी ब्रांड चेक कर सकते हो। तो बता दूँ मैं, वो एम्ब्रेन कंपनी का डेटा केबल था तो वो इससे थोड़ा सा स्लो था, उसको लगे 1 घंटा 19 मिनट पूरा मेरा मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो उस हिसाब से तो पोटोनिक्स ने अच्छा खासा फास्ट चार्ज किया है मेरे मोबाइल को। तो यही था वो रिव्यू मेरा। तो मुझे तो लगता है कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म में देखेंगे, मैं वीडियो शेयर करूँगा। आपको भी अगर प्रोडक्ट बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको बाय कर दीजिएगा। और उसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।